चले भाई, एक पहले एक सिंपल सा आपको एक रिबिन बनाना बताते हैं कैसे बनता है। सिंपल सा रिबिन बनाने का तरीका ये है कि आपने पहले एक ये ऑप्शन लिया, इसमें एक कलर भर दिया, उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट किया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया विड्थ पे, और इसको उठा के थोड़ा सा डार्क कलर दिया, और इसको उठा के इसके पीछे कुछ ऐसे रख दिया, कुछ इस तरह से। इसको राइट बटन दबाया, टू बैक कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ये देख रहे हैं, अब ये जो ऐसे रखा गया है, इसको क्यों रखा गया है, इसके पीछे हम इसको ऐसे ऊपर करके रख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये मामला ऐसा रहेगा, और इसके पीछे अगर एक और देना है तो इसी का एक डुप्लीकेट लिया आपने, उसको थोड़ा और छोटा किया आपने, और इससे ज्यादा डार्क कलर लेके उसको इसके पीछे रख दिया इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से अब ये बनेगा रिबिन, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि ऐसी बनी है, ये बनेगा ऐसा ऐसा बनेगा। तो अब ये रिबिन बनने के लिए क्या जरूरी है, खुद बोलिए क्या जरूरी है। अच्छा, ठीक है। अब इसके लिए जरूरी आपके लिए क्या है कि अगर आप इस तरह का कोई रिबन बना रहे हैं, एक्स्ट्रा पॉकेट इधर नहीं लगेगा, इसके बीच में लगेगा, तो आपने क्या करना है कि मैं समझ रहा हूँ कि इसका कलर जो है ना, इसको दे देते हैं ये वाला, और इसको कलर दे देते हैं ये वाला, ठीक है। अब आपने ये करना है इसके बीच में कि ये जो दो रिबिन के दरमियान का जो कनेक्टर है वो इसको बनाना है हमें, ठीक है। अब ये कनेक्टर कैसे बनेगा, ये जो कनेक्टर हुआ है ये ऐसे बनेगा, पहले इसको पीछे भेज देते हैं, इसको आगे रख लेते हैं, इसको इधर लगाते हैं एक पॉइंट को, और जो दूसरा हिस्सा है इसका शिफ्ट के साथ, ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है जी। ये बन गया आपका सिंपल 2D रिबन, ये आपको वर्ड में बना बनाया मिल जाता है। अब क्या करना है कि भाई ये थोड़ा सा डिजाइन भी डाल दो इसके अंदर, अजीब लग रहा है, तो क्लिक करेंगे भैया, एड एंकर पॉइंट टूल लेंगे और इसके बीच में क्लिक करेंगे, और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके लेफ्ट वाला एरो दबा के, सही है, ऐसा रख देंगे, ठीक, समझ में आ रही बात। अब ये इसको क्या करें, इसको दो तरीके हैं भाई, इसको यहाँ से सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, और रिफ्लेक्शन को ऑन कर लें, और इसका सेंटर पॉइंट ले लें। अब सेंटर पॉइंट तो ये दिखाता नहीं है, पता नहीं क्यों क्या हो गया था, तो व्यू में जाके गाइड्स में जाके, ये तो गाइड्स आ गई, शो ग्रिड, शो गाइड्स, यहाँ पे आइए नीचे, शो डायनामिक गाइड्स आ रहा है इसमें एक ऑप्शन, स्मार्ट गाइड्स ऑफ थे वो मैंने ऑन कर दिए, अब हमें दिखने लगेंगे, तो चेक करते हैं यहाँ पे स्मार्ट गाइड्स ऑन करने के बाद। यहाँ से हम लेंगे रिफ्लेक्शन, ये आ गए स्मार्ट गाइड्स में, ये सेंटर पॉइंट आ गया, ये बता रहा है कि भाई इसका सेंटर, ऑल्टर दबाएं, क्लिक कर दें, क्या करेंगे इसको कॉपी कर दें, ये आपका 2D रिबिन बन गया। कौन सा रिबिन बन गया, 2D, टू डायमेंशन में। अब इसका एक और थोड़ा वर्जन है जिसको भी हम बनाते हैं आपके सामने, अब इसमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं आप, जैसे ये तीन कलर है हमारे पास, ब्लू ये डाला, यहाँ पे कौन सा डालेंगे, यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्क वाला डाल दिया, और बीच में कौन सा डालेंगे, थोड़ा इन दोनों का बीच वाला कंट्रास्ट डाल दिया, सही है। फिर इसको क्लिक किया, यहाँ से लेके ड्रॉपर लिया, इस पर क्लिक कर दिया, फिर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से क्लिक करके ड्रॉपर लिया और इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिए आपका दूसरा रिबन बन गया। अब इसके दूसरा वर्जन कैसे बनाएंगे भाई, देखिए दूसरे वर्जन बनाने के लिए आपको कुछ और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी, चमन प्राश, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, करना कुछ भी नहीं है, वही खेलना है इसके ऊपर, खेल के दोबारा से रख देंगे हम इसको। अच्छा जी, अब कैसे खेलेंगे अगली दफा में, अब के खेलने के लिए हमने थोड़ा सा ग्राउंड चेंज करना है, कि भाई ये थोड़ा गोल गोल भी हो, मजा नहीं आ रहा, टेढ़ा मेढ़ा भी हो थोड़ा सा, तो गोल करने के लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और इसके इस एंकर पे क्लिक करेंगे, ये इसके एंकर पे, इसके वाले पे एंकर पे क्लिक करेंगे और इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे, ये लीजिए कर्व हो गया। अब जब कर्व हो गया तो इसको ऐसे सीधा कर देंगे, चलो तो जी सीधा हो गया ये। अब जब सीधा हो गया तो भाई यहाँ से भी कर्व करेंगे, तो भाई इसको यहाँ से ले जाके
इसको भी यहां से हमने कर्व कर दिया, तो ये भी सीधा हो गया, फूल गया गुब्बारे की तरह। तो इसको ऐसे सीधा कर देंगे, समझ रहे हैं, और इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे कि भाई इसके कोने से जुड़ जा, लेकिन कोने से जुड़ा है इसको नीचे रखेंगे। अब इसको बोलेंगे भाई तू भी अपनी गोलाई पकड़, तो यहाँ क्लिक करेंगे और इसको भी कर्व कर देंगे, ये भी गुब्बारे की तरह फूल गया, तो इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे। ये देखिए कैसा परफेक्ट गोलाई निकाली इसमें, समझ रहे हैं। और फिर क्या करेंगे, बस फिर तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये थोड़ा मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। कुछ सही लग रहा है, इस पे क्लिक करें, इसको कन्वर्ट टू कर्व करते हैं और इसको ऐसे घुमा देते हैं, सीधा कर देते हैं। अब कैसा लग रहा है, सही लग रहा है। ये इसका 2D था, ये थोड़ा सा उड़ता हुआ हो गया, ठीक है। कहते हैं ना उड़ता हुआ, उड़ता हुआ नहीं लेना चाहिए, कबूतर, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे इसको और इसके साथ देंगे इसका सेंटर पॉइंट और अल्टर के साथ क्लिक करेंगे कॉपी, और देखिए ये थोड़ा सा बेहतर इम्प्रोवाइज वर्जन आ गया, ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज वर्जन चाहिए, जनता की डिमांड बढ़ रही है, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। अब मज़ा तो बेटा ले गया था अली रजा, क्या करें इसको, अब इससे ज़्यादा इम्प्रोवाइज वर्जन बनाए चलें भाई, आइए नीचे लेकर आते हैं इसको। तो अब क्या करें भाई, अभी देखिए इसमें हम एक काम ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ये फ्लैप्स जो हैं ऐसे आ रहे हैं, तो इसको क्लिक करके इसको भी कुछ घुमा फिरा दें, कुछ गुलाई मुलाई में आ जाए। तो इसको क्या करेंगे, इसका भी ये ले लेते हैं, इसको हम यहाँ से पकड़ते हैं, बीच से तो आ नहीं रहा हिस्से में, तो यहाँ पे रखते हैं इसको और कहते हैं भाई कर्व कर लो। तो ये तो ऐसे घूम गया, तो इसको मैंने पकड़ा और ये ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे सीधा कर दिया मैंने स्ट्रेट, ठीक है। तो ये इधर से घूम गया और इधर क्लिक किया, फिर ये भी ऐसे कर्व हो रहा था तो मैंने इसको पकड़ा और इसको भी ऐसे घुमा दिया, इसके इस एंकर पर लाके छोड़ दिया। अब ये दोनों आ गए इस पे, ये थोड़ा नीचे नहीं गया, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं ताकि मुझे आइडिया रहेगा कि हाँ भाई ये ऐसा आ गया, ठीक है। ये इधर आ गया, तो भाई ऐसे घूम गया ये। अब ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, तो अब क्या करें भाई, इसके आगे हमने क्या किया, ये नीचे वाला एंकर पकड़ा, इसको पकड़ के हमने घुमाया, चल भाई तू भी घूम जा, तो ये ऐसे घूमा, समझ रहे हैं। हाँ भाई इसको ऐसे ही घूमने दें, और इसको पकड़ा और इसको भी भाई तू भी घूम जा, तो ये भी ऐसे ही घूमा, ठीक है। ये ऐसा रिबिन बन गया, आ रही कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, तो ये ऐसा रिबिन आ गया जैसे भाई ये सरखा हुआ। अच्छा चलो थोड़ा छेड़ देते हैं इसको हम, तो इसको ऐसे छेड़ा हमने, ऐसे सीधा कर दिया इसको, इसी की डायरेक्शन में इसको सेम रख के हमने ऐसे छेड़ा, ये लीजिए ये आपका इस तरह का रिबिन बन गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है, या नहीं आ रही है तो फिर से कंटिन्यू करें। तो ये तो आपने बनाए 3-4 किस्म के नमूने, अब जो रिबिन तुम्हें अच्छा लगता है भाई लगा दो इसको, पर एक और भी है, एक और रिबिन कैसे बनेगा उसके लिए हम थोड़ा सा और इंतजाम करते हैं, वो रिबिन कैसे बनेगा फिर लगाना तुम। एक आपने ये शेप लिया, ठीक है, बोला भाई ये रिबिन का शेप है, इसका एक डुप्लीकेट लिया, इसको थोड़ा छोटा कर दिया, इसका एक डुप्लीकेट लिया, इस पे क्लिक किया, इफेक्ट्स में गए वार पे क्लिक किया और इसको किया आर्क, आर्क से हमने किया आर्च, आर्च सही है या आर्क सही है, आर्क सही रहेगा मेरे ख्याल में, हाँ ये ऊपर था तो -50 कर दिया, ये नीचे आ गया। अब इस पे क्लिक किया, इफेक्ट्स पे गए वार्प और यहां से मैंने लिया आर्क, आर्क से लिया मैंने, आर्च, और इसको एक -50 पे निकाला और दूसरे वाले को निकालूंगा मैं किस पे, +50 के ऊपर, ठीक है। एक ऐसे बनाए, एक ऐसे बनाए, सही है। अब देखिए क्या करना है हमें, अब अगर ये आर्क था और ये आर्च है,
चलें थोड़ी देर के लिए हम कोशिश करते हैं अपीरियंस में जाके, अपीरियंस खोलते हैं और इसके इफेक्ट को चेंज करके आर्च में कन्वर्ट करते हैं। अपीरियंस कहाँ गया? आओ भाई कहाँ गया यार, ये रहा। थोड़ी देर के लिए जाके मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इसके इफेक्ट को वर्ड आर्ट में आर्च के अंदर। मच बेटर, -50% पे रख लेते हैं इसको, तो ऐसे रखते हैं इसको। ठीक है, अब हम सबको सेलेक्ट करके क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में जाके, एक मिनट मैं ज़रा इसका एक और वर्जन ले लेता हूँ और उसको आर्च में भी रख लेता हूँ, ताकि मेरा अगर कोई ऑब्जेक्ट ख़राब हो जाए तो मैं उससे उसको रिकवर कर लूँगा। अब सबको लेके मैंने सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में एक्सपेंड 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 कर दिया, ताकि इनके जो इफेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाए। अब ठीक, इसके साथ हम इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, एक को ले जाके हम ऐसे लगाते हैं जो कि हाँ सही नहीं रहेगा, लेकिन ये वाला यहाँ पे बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, बिल्कुल इसके कोने से कोना मिला के बिठा देना है आपने, ये देखिए। फिर दूसरा वाला जो वो उस साइड पर मुंह मुड़ा हुआ है वो इधर बैठेगा इसके आगे, कोने से कोना मिला के। देख रहे हैं कैसे प्लम्बर की तरह पाइप जोड़ रहा हूँ, वो मेरा मतलब रिबन जोड़ रहा हूँ इसके अंदर, समझ में आया? तो देखिए ये ऐसे लहराने लग गया। अभी इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी रुक जाते हैं। अब इसको और खूबसूरत बनाने के लिए विंडोज में जाएं, आपको ग्रेडियंट तो हमने समझाए ही थे, तो यहाँ से डिफरेंट किस्म के ग्रेडियंट ले लें। कहाँ मिलेंगे? ग्रेडियंट स्टाइल्स में। और यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? ग्रेडियंट लाइब्रेरी में। नहीं भाई यहाँ तो नहीं मिल रहा, स्विचेस लाइब्रेरी में जाएंगे, फिर ग्रेडियंट में जाएंगे और यहाँ मिलेंगे हमें, कोई ग्रेडियंट ले लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से एक ग्रेडियंट निकालें जो तीन कलर पर मुश्तमिल हो। तो यहाँ से हमने कौन सा निकालें, ये वाला भी अच्छा है। अगर ग्रीन में बनाना है तो ये देखें ऐसे लगा दें इसके ऊपर, फिर इस पे लगाना है तो इस पे लगा दें इस तरीके से, फिर इस पे लगा दें इस तरीके से। ये देखिए कितना अच्छा रिबन बन गया आपका। फिर इन दोनों को पकड़िए और इनको ले जाएं किसकी मदद से, रिफ्लेक्शन, और देखें ये सेंटर बताएगा पाथ, ये सेंटर। ऑल्टर क्लिक करें, कॉपी कर दें, देखिए आपका रिबन बन गया, देख रहे हैं। अच्छा, मैंने आपके लिए वो आर्च वाला भी बना के रखा हुआ है, उसके लिए भी दो ये निकाल के रखे हुए, उसके साथ कैसा बनेगा चलिए इसको भी देख लेते हैं। अब इसको उठाया हमने, अब इसके लिए हम ये वाला लगाते हैं, पहले क्लिक किया हमने यहाँ से और इसको इस कोने पे बिठाया। कोने कोने का फर्क है, ये इस कोने पे बैठ गया ना, तो रोटेशन वाला टूल लेंगे हम और रोटेशन वाले टूल को ले जाके रखेंगे इसी के कोने पे, यहाँ पे पकड़ के इसे घुमाएंगे, लेकिन ये घुमा नहीं क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं था। ये बैठ जा भाई इसके कोने पे, आ गया। तो यहाँ पे रोटेशन का पॉइंट का एंकर भी यही रखा हमने और इसको घुमा के ऐसे ले जाके मिला दिया बड़े प्यार से, सही है। अब दूसरा क्या करना है, आपने ये वाला ले लिया भैया, इसको पकड़ के इसको ले जाके आपने जो है इसके इस एंकर पे बिठाना है, और उसके बाद आपको वही काम करना है जो आपने, अबे भाई हट जा यार, क्या सारा काम खराब कर दिया। ये लीजिए, और रोटेशन ले जाके इसके इस पॉइंट पे बिठाना है और यहाँ से पकड़ के यहाँ पे बिठा रहा है। ये लीजिए यहाँ पे भी बैठ गया, ये देखिए ये किस तरह का बन गया। फिर आ जाइए इसको हम रेड में बना देते हैं आपके लिए, या और कोई ग्रेडियंट देख लें जो आपकी तबीयत को अच्छा लगे। ओ हो, ये मिला है भाई, ग्रीन कलर में बनाते इस शेड के साथ, क्लिक कर दिए, क्लिक कर दिया और यहाँ पर भी क्लिक कर दिया, ये देखिए भैया, समझ रहे हैं। और फिर आपने ये दोनों ही लिए यहाँ से और रिफ्लेक्शन की मदद से इसको ले जाके आपने इसके सेंटर पे रखा, ये आ गया सेंटर, ऑल्टर के साथ दबा के कॉपी ले लिया आपने। ये बन गया आपका दूसरा वाला रिबन। फर्क नोट करते जाए, समझ में आ रही है? हाँ, अभी इनमें टेढ़े मेढ़े हो गए, कोई मसला नहीं है, इसको सीधा हम खुद कर लेंगे। ये ऐसे नहीं लगाना था, ये ऐसे लगाना था। ओहो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लगाना था, ठीक है। और इसको भी यहाँ क्लिक करके, अब देखिए रूप निखार इसका, क्लिक करें यहाँ से, इस पे क्लिक करें, यहाँ से आई ड्रॉपर से यहाँ पे ले लीजिए इसका शेड। अच्छा सीधा करना पड़ेगा शेड, पहले कर लेते तो मैं बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती, अब खुद करनी पड़ेगी। चलो इधर आ जाओ,
और इधर आ जाओ। देख रहे हैं कैसी रिबन बनी है। सही है। अब आखिरी रह गया टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। ये अच्छी लग रही है, ये अच्छी लग रही है, जो भी अच्छी लग रही है टेक्स्ट तो लिखना ही है ना, तो टेक्स्ट लिख लें। सपोज तो भी उसमें लिखना है अ पेस टू मॉडर्न एजुकेशन, कैपिटल खोल देते हैं, अ पेस टू मॉडर्न एजुकेशन। टेक्स्ट लिख लिया, बड़ा कर लें ऐसा नज़र आ रहा है, क्लिक कर दें यहाँ से, बोल्ड कर दें इसको ऐसा नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट में जाएं एक्सपैंड कर दें इसको, ओके कर दें, फिर से एक्सपैंड कर दें, फिर विंडोज में जाके वार्प में जाके अगर आर्च पे सेट करना है तो आर्च पे, और आर्क पे सेट करना है तो आर्क पे, उसी -50 के साथ सेट कर दें। फिर क्या करेंगे, फिर इस पर एक्सपेंड कर दें एक दफ़ा से, इफेक्ट ख़त्म हो गया। थोड़ा छोटा कर लें, बिल्कुल उसी हिसाब से बड़ा है, थोड़ा और छोटा होगा, ये देखिए आके बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे फिट होगा। ऑल्टर की मदद से थोड़ा बड़ा कर लें इसे, थोड़ा और छोटा कर लें, फिर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, बड़ा ना करें ऐसे ही सही है, बिल्कुल सेट बैठेगा इस पे जाके। आई समझ में बात या नहीं आई। फिर इसको ग्रुप करके आपने उसके नीचे बिठाना है, ले जाके कहाँ बिठाना है, ये ऐसे पूरा बना लिया। अब यहाँ से इसको ऐसे ग्रुप करेंगे आप, पूरा मूव हो रहा है ग्रुप। अब ग्रुप करके इसके नीचे बिठाना है जो आप बनाए हैं उसको, ग्रुप कर दिया इसको भी, सेलेक्ट किया इसको भी, क्लिक किया इसको, बेस बनाया, लेफ्ट राइट सेंटर, और ये रखेंगे इसके बॉटम पे, ठीक है फिट हो गया। इस पे आके राइट बटन दबाएंगे, टू बैक करेंगे, ओ फ्रंट भी रखेंगे इसको, और इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे, नीचे ला के थोड़ा स्विफ्ट के साथ इसको कम करेंगे, थोड़ा और नीचे लेकर आएंगे, अब बैठ गया सही है। देख रहे हैं सही लग रहा है, हाँ ओके हो गया। किसी नींद, ओ नींद बोलो, कैसा बनाया, सही बनाया। सही है। तो अब जैसे भी बनाना चाहो वैसे बना दो, मूछे ऐसे रख लो, मूछे ऐसे कर लो, हमारी तरह यूं कर लो, इंडिया वालों की तरह यूं यूं कर लो, बनानी तो पड़ेगी इसकी।